रंजीत सिंह के खुलासे के बाद अरविंद केजरीवाल को अब जल्द ही ईडी का नोटिस जारी होने वाला है। क्या अब अरविंद केजरीवाल वाकई गिरफ्तार हो जाएंगे? इस बात के सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खुद संजय सिंह ने यह बड़ा ऐलान किया है। संजय सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 10 नवंबर को पेश होना था और संजय सिंह की पेशी खत्म होती है, सुनवाई खत्म हो जाती है और उसके बाद संजय सिंह बड़ा खुलासा करते हुए कोर्ट परिसर के बाहर नजर आते हैं। संजय सिंह क्या कह रहे हैं देखिए जरा। बहुत बड़ी साजिश है, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग। यहाँ पर संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के साथ कोई बड़ी घटना भी घट सकती है। तो ऐसे में संजय सिंह इशारा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस बात का ऐलान खुद अरविंद केजरीवाल भी करते हुए नजर आते हैं। वो सीधे तौर पर कहते हैं कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो आप कर लेंगे लेकिन अरविंद केजरीवाल के विचार को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। उस दौरान क्या कुछ अरविंद केजरीवाल बोलते हुए नजर आए, क्या वाकई ये उनके कथन है देखिए जरा। ये लोग कह रहे हैं हम केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं मेरे को तो गिरफ्तार कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे दबाओगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे? आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मोदी जी मेरे को गोली मार दो, केजरीवाल मर जाएगा, लेकिन आपके नींद के अंदर भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, आपके कानों में मेरी आवाज गूंजेगी। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खुलासे के बाद अब एक बात तो यहाँ पर तय मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को दूसरा नोटिस जारी होकर ही रहेगा। एक दो दिन में लगभग आप देखिए अरविंद केजरीवाल को दूसरा नोटिस और ईडी पूछताछ के लिए बुला लेगी। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को शामिल भी कर लिया जाएगा और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन क्या अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात करें, अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या वाकई सरकार जेल से चलेगी? जिस बात का दावा यहाँ पर सौरभ भारद्वाज करते हुए नजर आ रहे हैं कि दोराहा नहीं है, अरविंद केजरीवाल से पहले भी कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने जेल से सरकार चलाई है, तो क्या वाकई जेल से सरकार चलती हुई नजर आएगी? क्या कुछ यहाँ पर सौरभ भारद्वाज और आतिशी कहते हुए नजर आ रहे हैं देखिए जरा। भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी पार्टी से समस्या है तो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी से है। जितने मुकदमे आम आदमी पार्टी के विधायकों पे हुए, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पे हुए, और जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की तैयारी है, साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को किसी से डर है सत्ता का तो वो अरविंद केजरीवाल है। और वो चाहते हैं किसी तरीके से दिल्ली की सत्ता से अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए। इलेक्शन लड़के देख लिए, तीन तीन चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, एमसीडी हार चुकी है। अब ये बात जान चुके हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाना है तो चुनाव लड़के तो भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा सकती। अरविंद केजरीवाल को षड्यंत्र करके सत्ता से हटाया जा सकता है। और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक एक करके, लगभग सबने एक बात अरविंद केजरीवाल जी को कही कि अक्सर यह होता है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अलग अलग तरीके से दबाव बना के उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि अब तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, अब दिल्ली की सत्ता कैसे चलेगी, अब तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। एक एक विधायक ने अरविंद जी को हाथ जोड़ के कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री तो चाहते हैं कि आप इस्तीफा दो और आपकी सत्ता ली जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन से चले
चाहे आसमान से चले, चाहे पाताल से चले, चाहे जेल से चले, चाहे पुलिस कस्टडी से चले, चाहे जुडिशियल कस्टडी से चले, अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी का है। हम लोगों ने गली गली जाके वोट अरविंद केजरीवाल जी के लिए मांगा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने, सरकार अरविंद केजरीवाल जी चलाएं, ये मैंडेट, ये आशीर्वाद दिल्ली की जनता ने सिर्फ और सिर्फ श्री अरविंद केजरीवाल जी को दिया है। और इस मैंडेट के साथ खिलवाड़ करना या धोखा देने का हक जो है किसी को नहीं है। मेरी कई लोगों से बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से भी बात हुई, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप एक ट्रायल के बहाने जेल में डाल दें। कन्विक्शन होती है एक अलग बात है, कानून के अंदर और संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दिल्ली के या किसी भी राज्य की जनता का जो अधिकार है, जो उनकी फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट, राइट टू इलेक्ट अ गवर्नमेंट, राइट टू इलेक्ट अ पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, इसको आप चैलेंज कर सके। ये अधिकार जनता का है, किसी संविधान की धारा में इस अधिकार के ऊपर कोई ऐसा अंकुश नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को अगर ट्रायल के बहाने जेल में रखा जाए तो आप उनको इस्तीफा दिलवाएंगे। इसलिए हम सब लोगों ने मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन किया है कि जैसे भी हो अफसर आएंगे जेल में, हम कैबिनेट कुलीग्स हैं, हम लोग बहुत खुश रहेंगे, अरविंद जी जब बुलाएंगे हम लोग जाएंगे। और मुझे लगता है जैसा माहौल है बहुत जल्दी हम असली में जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं है। जिस तरीके की तैयारियां प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जल्द ही बाकी कैबिनेट कुलीग्स भी मुख्यमंत्री जी के साथ जेल में जाएंगे। तो हो सकता है आतिशी जेल नंबर 2 में हो, मैं जेल नंबर 1 में हूँ, कोई जेल नंबर 6 में हो, तो जब कैबिनेट मीटिंग हो ही करेगी तो आ जाए करेंगे, एक साथ कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, कैबिनेट का फैसला करेंगे, मुख्यमंत्री जी को जब ज़रूरत हो ही करेगी तो अफसरों को बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे, फैसला किया जाएगा। और हमारे विधायक साथी जो बाहर रह जाएंगे, जितने भी, वो लोग उस फैसले को बाहर जो है कार्यान्वित करेंगे। दिल्ली के लोगों के काम मुख्यमंत्री जी रुकने नहीं देंगे। मैं अब आतिशी जी से कहूंगा, वो बताएं। आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग हुई और सभी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता की राय बताई। हम सब ने उनको बताया कि हम जिस गली में जाते हैं, जिस पार्क में जाते हैं, जिस कॉलोनी में जाते हैं, जिस RWS से मिलने जाते हैं, आज सबके जबान पे सिर्फ एक चीज है कि मोदी सरकार ने अब आम आदमी पार्टी के साथ अति कर दी है। सब ये कह रहे हैं कि बार बार अगर केस होता है, अगर अरेस्ट होता है, तो आम आदमी पार्टी वालों का ही होता है। पहले विधायकों को अरेस्ट कर रहे थे, फिर मंत्रियों को अरेस्ट करने लग गए, फिर हमारे सांसदों को अरेस्ट करने लग गए, और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल भेजने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन आज दिल्ली की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है कि वो एक आदमी जो दिन रात उनके लिए काम करता है, उसके साथ अतिवाद हो रहा है। तो सभी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल जी को एक ही सुर में बात कही है कि चाहे मोदी सरकार षड्यंत्र रच के उन्हें तिहाड़ के अंदर डाल दे, लेकिन फिर भी हम सब ने आग्रह किया है कि वो अपना इस्तीफा ना दे, क्योंकि आखिरकार लोगों ने वोट किसी विधायक को नहीं दिया, किसी पार्टी को नहीं दिया, दिल्ली के लोगों ने अपना वोट, अपना मैंडेट अरविंद केजरीवाल को दिया है। और किसी झूठे षड्यंत्र से हम दिल्ली की जनता का ये भरोसा नहीं छूटने देंगे। चाहे कितने दिन भी
मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने की कोशिश करे। दिल्ली के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री चुना है, वो जेल से ही दिल्ली के लोगों के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने ये भी डिस्कस किया कि हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से परमिशन लेंगे कि कैबिनेट की मीटिंग्स जेल के अंदर हो सके, ज़रूरत होगी तो सारे अफसर जाएंगे वहाँ पर, ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग की फाइल्स लेके जाने की परमिशन कोर्ट से लेंगे। दिल्ली की सरकार जेल से चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, और जेल से भी दिल्ली की जनता के कामों को रुकने नहीं। अब बात यहाँ पर सच है कि जिस तरीके से अभी तक यहाँ पर क्रमशः मैंने आपको बताया कौन क्या कह रहा है, इन सब की बातों से तो तय माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सीएम पद से इस्तीफे देने की मांग भी की जाएगी। लेकिन क्या वाकई जेल से सरकार चलेगी या अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा दे देगी, क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।